हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आई होप कि आप सभी अच्छे हो मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एस एस टी फ्री एट लर्न हब डॉट कॉम बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास टेन टॉपिक हमारा है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन नंबर फाइव टू थर्टीन चलिए बच्चों हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा है वो डू डेवलप कंट्रीज वॉन्ट डेवलपिंग कंट्रीज डू टू लिबरलाइज देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ठीक है व्हाट डू यू थिंक शुड द डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड इन रिटर्न ठीक क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से ऐसा क्यों चाहती हैं कि उनके फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए वो लिबरलाइज हो और क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें भी बदले में ऐसी डिमांड रखनी चाहिए चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे पहले बात करेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से ऐसा क्यों चाहती हैं कि लिबरलाइज हो वो उनके लिए उनके फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो कंट्रीज क्या हो लिबरलाइज हो तो डेवलप कंट्रीज़ पे आते हैं डेवलप कंट्रीज़ का ये मानना है कि सभी देशों में सभी मतलब सभी देशों में ये होना चाहिए कि जो ट्रेड है ट्रेड के फ्री होना चाहिए मतलब उस पर कोई टैक्स बैरियर नहीं लगना चाहिए जिससे कि ट्रेड जो है वो आसानी से हो सके डेवलप कंट्रीज़ बिलीव करती हैं कि ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कोई भी जो बैरियर्स हैं वो क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं नुकसानदेह होते हैं देयर शुड बी फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो वो बिल्कुल फ्री हो यानी कि वहाँ पर कोई बैरियर्स ना हो यानी कि वहाँ पर टैक्स बैरियर्स ना लगें जिससे कि ट्रेड जो है वो आसानी से हो सके ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज एज्यूमिंग दैट दे वांट देयर टू नो देयर टू बी नो ब्लॉकर्स सभी कंट्रीज वर्ल्ड में सभी कंट्रीज जो है उन्हें लिबरलाइज होना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट है जिससे कि जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आसानी से हो सके उसमें कोई ब्लॉकर्स या फिर कोई बैरियर्स ना आए अब हम बात करेंगे कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ऐसा तो चाहती हैं ठीक है सभी के लिए अच्छा है कि ट्रेड जो हो रहा है इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसमें कोई बैरियर्स ना हो लेकिन उनका कहना अगर है कि सभी देशों को ऐसा होना चाहिए तो उन्हें ऐसा मानना भी चाहिए लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है उल्टी है यहाँ अपनी बातों के लिए तो वो ठीक है वो कह देते हैं डेवलप कंट्रीज़ कहती हैं कि जो स्मॉल या डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्हें सभी के लिए क्या करना चाहिए Uh, जो फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कोई बैरियर्स नहीं लगे होने चाहिए जिसे कि कहते हैं उदारीकरण की नीति अगर ये बैरियर्स हटा लें तो उसे कहते हैं उदारीकरण की नीति या लिबरलाइजेशन तो वो नहीं होना चाहिए जिससे क्या होगा ये आसानी से ट्रेड कर सकेंगे लेकिन यही नीति ये अपने उसमें फॉर्म में नहीं निभाते हैं अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड स्मॉल कंट्रीज जो भी हैं अगर उनको इनके यहाँ इन्वेस्ट करना हो तो वहाँ पर उस नीति को ये नहीं अपनाते जैसे कि आपकी बुक में दिया है कि अगर हम बात करें इंडिया में इंडिया में बात करें करीब सिक्सटी परसेंट किससे आता है एग्रीकल्चर से आता है, है जीडीपी का और यही फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें जो फॉरेन क्या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पर करीब वन परसेंट जो होता है वो एग्रीकल्चर से आता है लेकिन फिर भी वहाँ के जो फार्मर हैं उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है क्यों अच्छी है क्योंकि वहाँ का जो फार्मर है वहाँ पे वन परसेंट ही लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं या वन परसेंट ही जीडीपी का एग्रीकल्चर से मिलता है ठीक है और यहाँ पर सिक्सटी परसेंट लोग लगे हुए हैं लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है लोग कम है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ज़्यादा है तो अगर वहाँ का फार्मर जो है उसे उसने जो भी फसल उगाई गवर्नमेंट की तरफ से उसे ज्यादा सपोर्ट है ज्यादा सपोर्ट की मिलने की वजह से उसे फसल के दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है लेकिन यही अगर हम इंडिया के परिप्रक्ष्य में देखें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं लेकिन इतने ज़्यादा इतने बड़े लेवल पे यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम होता है कि जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो उतना मिल नहीं पाता है तो यहाँ के जो फार्मर हैं उनकी कंडीशन भी बुरी है अगर यहाँ की चीज़ें बाहर जाएंगी कोई और कंट्री में अगर वो एक्सपोर्ट हो के जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके रेट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और यही अदर कंट्रीज़ की अगर बात करें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो एग्रीकल्चर होगा वहां का जो अनाज होंगे वो अदर कंट्रीज में आएंगे तो क्या होगा उनका रेट बहुत ज्यादा नहीं होगा तो अगर उन पर टैक्स लग भी जाता है तो क्या होगा उनको फिर भी मुनाफा होगा जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करें वीट की बात करें वीट इंडिया में फार्मर बेच रहा है ट्वेंटी थ्री रुपीज में ठीक है यहां के अकॉर्डिंग वो ट्वेंटी थ्री है अगर उसको अदर कंट्रीज क्या करेंगी मंगाएंगी तो वहां पर वो क्या करेंगी इम्पोर्ट टैक्स जो रहेगा वो वहां पर लगा देंगी तो अगर ट्वेंटी थ्री है उन्होंने उस पर और टैक्स लगा दिया तो वो वहां पर जाकर महंगा हो गया अब वहां जो उनके हो रहा है वो उनके डॉलर के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो जो इंडिया से जा रहा है उस वो क्या है उस पर एक तो फार्मर को उतनी सहायता भी नहीं मिल रही है फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं उसके बाद वहाँ जाकर उस पर इम्पोर्ट टैक्स भी अगर वो लगा देते हैं तो उतना प्रॉफिट नहीं होता है और अपने यहाँ जो है कि अगर वो उस पर इम्पोर्ट टैक्स भी लगाएंगे तो उनके फार्मर की कंडीशन इतनी अच्छी होती है उसे इतनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिली होती हैं कि वहाँ पर उसका रेट बढ़कर भी लेवल पे ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर वो उदारीकरण की नीति नहीं अपनाते यहाँ पर वो लिबरलाइज नहीं होते हैं वो चाहते हैं जो स्मॉल कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लिबरलाइजेशन की नीति अपनाएं लेकिन अपने यहाँ क्या है वो नहीं चाहते हैं अच्छा अब बात करें कि ये जो रूल लाया गया कि आ, जो सभी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करें लिबरलाइजेशन की नीति अपनाएं सभी उदारीकरण की नीति अपनाएं जो भी इन्वेस्टमेंट है ट्रेड पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फॉरेन ट्रेड है उसमें कोई टैक्स बैरियर्स ना हो तो ये जो रूल लाने वाले हैं वो कौन है डब्ल्यू की तरफ से ये बात कही गई अब डब्लू है क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके सदस्य कौन हैं उसके सदस्य की बात करें मेंबर्स की बात करें जिन्होंने ये बातें कहीं तो वो कौन हैं वो डेवलप कंट्रीज़ के ही लोग हैं तो जब डेवलप कंट्रीज़ के लोग हैं तो वो सपोर्ट किसे करेंगे डेवलप कंट्रीज़ को ही करेंगे तो अपने मामले में तो ये क्या कहते हैं कि कोई टैक्स बैरियर्स नहीं होने चाहिए ठीक है और यही अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके मामले में नहीं कहते अगर उनके यहाँ जाता है तो चीज़ों पे इंपोर्ट टैक्स वो लगा देते हैं और उसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं उन्हें वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है तो एम एन सीज़ कैन सेटअप इंडस्ट्रीज़ इन स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ विच विल बी लेस एक्सपेंसिव एंड दे विल गेट मोर प्रॉफिट ठीक है तो एम क्या करती हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ एम अपनी इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगाती हैं स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज में जिससे क्या होता है कि उनको काफ़ी प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट कैसे मिलता है उनका प्रॉफिट ऐसे होता है अगर वो स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज पे लगा रही हैं अपनी कंट्रीज में वो अपने सेटअप लगा रहे हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर उन्हें लेबर भी सस्ता मिलेगा जगह भी कम सस्ती मिलेगी और हो सकता है जो रॉ मटेरियल भी वो पाएंगे वो भी वहाँ पर सस्ता पाएंगे तो वहाँ पर एक्सपेंस उनका जो होगा वो कम होगा और प्रॉफिट जो होगा वो उनका बढ़ेगा ठीक है एक्सपेंस एंड दे विल गेट मोर प्रॉफिट तो वहां पर क्या होगा लेस एक्सपेंस होगा उनका खर्चा कम होगा और प्रॉफिट जो होगा वो ज़्यादा होगा देर प्रॉफिट विल इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो वहां पर क्या होगा वो स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज में अगर जाते हैं वहां पर अपना सेटअप लगाते हैं तो वहां पर लेबर कॉस्ट जो होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा ये सभी चीज़ें देखिए कम आएंगी जैसे अगर हम ही बात करें हमारी कंट्री की बात करें और अदर uh, कंट्रीज में अगर देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो हमारी कंट्री क्या है उनसे काफी सस्ती होगी लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो महंगी है बट जो जो कंट्रीज हैं उनके लिए क्या होगी इंडिया है है वो सस्ता है। तो वो अपनी जो फैक्ट्रीज वगैरह होगी अपना जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सारा चीज वो आएंगे स्मॉल या डेवलपिंग कंट्रीज में लगाएंगे जिससे कि क्या होगा उन्हें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा वहां खर्च कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा डेवलपिंग कंट्रीज शुड ऑल्सो मेक सच डिमांड इन रिटर्न सो दैट देर ट्रेड कैन ऑल्सो इंक्रीज एंड बिकम सिक्योर तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें भी ऐसी डिमांड करनी चाहिए देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो क्या कर रही हैं वो अपना प्रॉफिट ही कमाना चाह रही हैं वो चाह रही कोई टैक्स बैरियर्स ना लगे जिससे वो अदर कंट्रीज़ के साथ आसानी से ट्रेड कर सके वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सके जिससे कि जो काम भी है कंस्ट्रक्शन है जो लेबर है वो उन्हें कम कीमत पर मिलेगा एक्सपेंस उनके कम होंगे प्रॉफिट उन्हें ज़्यादा होगा वो अपने मामले में ऐसा चाहती है मगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ वो ऐसी नहीं है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी ऐसी डिमांड करनी चाहिए जिससे कि क्या हो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो उनका भी प्रॉफिट हो वो भी उनका ट्रेड भी बढ़े और वो सिक्योर हो सके सबसे बड़ी चीज़ कि प्रॉफिट तो उनका बढ़े उसके अलावा वो सिक्योर हो सके तो उन्हें भी ऐसी डिमांड करनी चाहिए कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ क्या करें लिबरलाइज हों ठीक है तो यहाँ पर हमने समझा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो चाहती हैं क्यों चाहती हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो लिबरलाइज हों और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें भी लिबरलाइज होना चाहिए क्यों होना चाहिए या फिर उन्हें भी उसकी डिमांड करनी चाहिए ठीक है तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आंसर चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो एक समान नहीं है इसे एक्सप्लेन करना है तो अगर बात करें हम कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एक समान नहीं है तो उसमें हम देखेंगे कि जो ट्रेडर्स हैं ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों के बीच में कंपटीशन जो है वो बढ़ा है कॉम्पटिशन किन के बीच में बढ़ा है जो ट्रेडर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में कॉम्पटिशन बढ़ा है क्यों क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ जो चीज जहाँ की है वहां पे है ही हर चीज के अलग अलग ब्रांड्स हैं ठीक अब बाहर से भी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, उन्हीं चीजों के अलग अलग ब्रांड्स लेके तो क्या होगा कंपटीशन बढ़ेगा अब कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा कि कंपटीशन जब बढ़ेगा कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा जो भी कंज्यूमर uh, है उसको प्रॉफिट होगा कंज्यूमर को कैसे प्रॉफिट होगा कंपटीशन बढ़ा तो हर कोई उनमें अपनी क्वालिटी क्या करना चाहेगा सुधारना चाहेगा क्वालिटी सुधारेगा तो इसका फ़ायदा किसे मिला कंज्यूमर को मिला उसके अलावा कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए लोगों को अपनी कीमतें जो होंगी अपने रेट्स जो होंगे वो कम करने पड़ेंगे फ़ायदा किसको मिला कंज्यूमर को मिला इसके अलावा उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बढ़ानी होगी उन्हें तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा किसे मिलता है वो मिलता है बेनिफिट किसे कंज्यूमर को तो ग्लोबलाइजेशन है इंक्रीज कंपटीशन एंड इट्स बेनिफिट हैज़ बीन गिवन टू द वेल्दी क्लास कंज्यूमर्स बिकॉज दे हैव मोर ऑप्शंस उनके सामने ऑप्शन भी बहुत आ जाते हैं जैसे एक सिंपल सी चीज़ है जो कि डेली यूज़ होती है लोगों के में ऑयल है ठीक है इलेबल ऑयल है मोस्टली लोग मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते हैं तो अगर बात करें हम कि जैसे सब्जी बनानी है ठीक है उसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज है अब उसी में हम देखेंगे कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो, वो मिलते हैं इसमें क्या है कि वो लोग उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनकी एक तो क्वालिटी बढ़े उनके रेट्स में भी फर्क होगा ठीक है जिसके रेट्स लोग जाएंगे देखने देखेंगे मोस्टली लोग क्या करते हैं अपनी पॉकेट ही देखते हैं तो जो रेट्स के हिसाब से एंड क्वालिटी क्वालिटी एंड रेट्स देखते हुए चीज़ें कंपेयर करके फिर लेते हैं तो इन चीज़ों का फायदा किसे मिलता है कंपटीशन जो बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ता है उसका फायदा किसे मिलता है वेल्डी क्लास लोगों को मिलता है और उनके सामने बहुत सारे इसकी वजह से ऑप्शन आ जाते हैं कॉम्पिटिशन की वजह से उनके सामने ऑप्शन आ जाते हैं चीज़ों को चुनने के लिए भी चूज करने के लिए भी रेट्स में भी ऑप्शन आ जाते हैं और क्वालिटी जो है वो भी सुधर जाती है हालांकि आज के टाइम में अगर हमने देखा है कि ये चीज़ें ज़्यादातर कहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर इसका फ़ायदा लोगों को ज़्यादा मिलता है लेकिन जब से अभी इधर ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह होने लगी है तो इसका कुछ हद तक फ़ायदा जो है वो रूरल एरियाज़ में भी मिलने लगा है क्योंकि उन्हें भी जब ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं तो उन्हें भी चीज़ें जो है वो चूज़ करने की छूट मिल रही है वो चीज़ें छूट चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऐसे क्या होता था उनके गाँव जो रूरल एरियाज़ थे आसपास की जो शॉप होती थी तो क्या करते थे वहाँ से चीज़ें ले लिए तो वहाँ बहुत सारे ब्रांड जो होते थे वो नहीं रखे होते थे आज के टाइम में क्या है कि ऑनलाइन अगर चीज़ें हो गई हैं तो लोग अपन ऑनलाइन मंगा लेते तो उन्हें वहाँ पर रेट्स में भी उन्हें बेनिफिट्स मिल जाता है उन्हें क्वालिटी भी मिल जाती है और उसके अलावा उन्हें चूज करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन अगर हम इसका फायदा देखें तो मोस्टली कहां पर अर्बन एरियाज में ही मिलता है तो ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ता है कंपटीशन से फ़ायदा किसे होता है बेनिफिट किसे होता है जो वेल्दी क्लास के लोग हैं ठीक है उन्हें फ़ायदा मिलता है उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं क्वालिटी एंड प्राइस वगैरह को लेके, एज अ रिजल्ट दिस पीपल आर एंजॉयिंग अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन बिफोर तो इससे क्या हुआ कि इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो क्या हुआ हाई हुआ क्योंकि इन्हें चीज़ें अच्छी मिल रही हैं क्वालिटी अच्छी मिल रही है और आ, उसकी उसके जो रेट्स हैं वो भी कम मिल रहे हैं तो इस इससे क्या हुआ कि इनकी लाइफ जो है वो सुधरी लाइफ स्टैंडर्ड जो लाइफ स्टेटस इनका था वो इससे इंक्रीज हुआ बढ़ा है वहीं हम दूसरी तरफ अगर देखें तो चैलेंजेस अगर देखें यहाँ पर क्या बात हो रही कि ग्लोबलाइजेशन जो है सभी के लिए एक बराबर नहीं है तो एक क्लास की हमने बात कर ली कि जो वेल्दी क्लास के लोग हैं उन्हें बेनिफिट हो रहा है इससे ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ा और फायदा किसे मिल रहा है वेल्दी क्लास के लोगों को मिल रहा है अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे साइड पे हम देखेंगे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो हुए स्मॉल uh, प्रोड्यूसर हुए एंड एम्प्लॉयज uh, हुए इनके इनको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है इसमें क्यों क्योंकि इनकी पहुंच जो होती है वो हर जगह नहीं होती है ठीक है अब इसमें इनको मार्केट में बने रहने के लिए इन्हें अपनी चीज़ें जो है उसकी या तो क्वालिटी बढ़ानी होगी या और रेट्स भी इन्हें गिराने होंगे क्वालिटी भी बढ़ाना है रेट्स भी इन्हें गिराने होंगे तो ये चीज़ें उनके उन्हें फेस करनी पड़ती हैं और होता क्या है कि जो अगर हम बात करें कि आ, अर्बन एरियाज़ में हैं तो उन उन्हें ये चीज़ें फ़ेस करने में आसानी होती है अगर कंपेयर करें रूरल एरियाज़ में क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं होते तो उन अगर हम बात करें जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं एंड छो छोटे प्रोड्यूसर हैं उन्हें इसे फेस करने में बहुत मुश्किल होती है ड्यू टू इन इंक्रीज कॉम्पिटिशन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दीज इस्मॉलॉल मैन्युफैक्चर कुड नॉट लास्ट लॉन्ग तो ऐसे क्या होता है कि जो छोटे इस कॉम्पटिशन में कॉम्पटिशन बढ़ता है और इसमें जो छोटे प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं उनका क्या होता है कि वो इस मार्केट में लंबे टाइम तक नहीं बने रह सकते जैसे कि अगर हम बात करें सबसे आ, सही है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चाइनीज आइटम अगर हम देखें तो चाइनीज आइटम क्या होते हैं अवेलेबल भी होते हैं उसके अलावा उनका उनके रेट्स क्या होते हैं काफ़ी कम होते हैं वहीं अगर हम इंडियन चीज़ें देखें तो वो उसके रेट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे अब ये और बात है कि इंडियन चीज़ें हमने ली वो लंबे टाइम तक चले नहीं चले बट चाइनीज चाएनी, चाइनीज़ चीज़ें होती हैं कि लोग कहते हैं कि इसमें इनकी लाइफ उतनी नहीं है लेकिन फिर भी जिस समय उन्हें लेना है तो वो क्या करते हैं रेट देख के ही लोग लेते हैं चाहे बात आ जाती है स्वदेशी की फिर एक टाइम होता है कि उस टाइम पे लोगों ने उस पर बात की उस टाइम पे उस चाइनीज़ चीज़ों को छोड़ा लेकिन फिर वापस से कुछ टाइम के बाद वो उसी पे आ जाते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपनी पॉकेट भी देखनी है तो अगर हम आप में भी कोई मार्केट जाता है तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं चीज़ें हमारे सामने हैं हम उन्हें देख रहे हैं हम पूछ रहे हैं हम उनके प्राइस देख रहे हैं जो हमें कम रेट में दिखा वो चीज़ें हम ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी यही है तो ऐसे में जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए या फिर स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए मार्केट में बने रहना मुश्किल होता है बाहर से कंपनीज आई उन्होंने यहाँ पर अपनी पैठ बना ली और यहाँ के जो लोग हैं उनकी रेट उनके रेट्स वगैरह ज़्यादा होने की वजह से या फिर वो आ, लुक्स कह सकते हैं कि चाइनीज़ चीज़ें हैं वो लुक्स में भी खिलौने हैं चाइनीज़ टॉयज वग़ैरह हैं तो उनके लुक्स भी बहुत अच्छे होते हैं लोग उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो लुक्स की वजह से भी या फिर क्वालिटी की वजह से भी लोग इन चीज़ों को नहीं लेते हैं और उससे स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं लंबे समय तक वो मार्केट में टिक नहीं पाते हैं देर फॉर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट द सेम तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो है वो सेम नहीं है कैसे नहीं है कि एजुकेटेड एंड स्किल्ड जो पर्सन है उनको तो वहाँ पर बेनिफिट मिल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखें बहुत सारे लोग जो है इस बेनिफिट को नहीं पा पाते जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि कंपटीशन बढ़ा जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं या वेल्दी क्लास के लोग हैं उन्होंने इसका प्रॉफिट उठाया वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं रूरल एरियाज़ के लोग या फिर स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं तो ग्लोबलाइजेशन जो है अच्छा है लेकिन वो सभी के लिए बराबर नहीं है चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा है हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में का लिबरलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में किस तरह से हेल्प करता है लिबरलाइजेशन मतलब ये कि जो लिबरलाइजेशन की नीति सभी देशों को अपनाने के लिए बोला गया था डब्ल्यू की तरफ से डिसाइड हुआ कि सभी कंट्रीज़ को क्या करना है लिबरलाइजेशन की नीति अपनानी उदारीकरण की नीति अपनानी जिसके तहत अगर कोई चीज़ कोई इंपोर्ट कर रहा है कहीं से तो उस पर कोई टैक्स बैरियर्स वगैरह ना लगे जिससे कि आसानी से ये चीज़ें हो सके तो अब बात है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के लिबरलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन से प्रोसेस से कैसे हेल्प मिली तो इस प्रोसेस से ऐसे हेल्प मिली कि चीजों का जो आदान-प्रदान है या फिर कह सकते हैं ड्यू टू लिबरलाइजेशन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है वो होना इजी हो गया अगर टैक्स बैरियर्स लगे हैं या कोई भी बैरियर्स लगे हैं तो क्या है कि चीज़ों का एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होती है या फिर उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है लिबरलाइजेशन जो है उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि चीज़ों को एक्सचेंज करने में हेल्प मिलती है ठीक है गुड्स कैन गुड्स कैन हैपनली इजली तो एक्सचेंज तो यहाँ पर क्या है कि गुड्स जो है उन वो एक्सचेंज आसानी से हो सकते हैं उसके अलावा हम देखेंगे फॉरेन कंपनीज़ कैन ओपन देयर ऑफिसेज़ फॉरेन कंपनीज अपने ऑफिसज़ आसानी से खोल सकती हैं कैसे फॉरेन कंपनीज़ जो होंगी वो देखेंगे अदर कंट्रीज़ जहाँ पर जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई तो वहाँ पर क्या होगा उन्हें लगेगा कि यहाँ अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होगा प्रॉफ़िट जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा कैसे क्योंकि अदर कंट्रीज़ में गए वो कंट्रीज़ क्या होंगी उनसे सस्ती होंगी वहाँ पर उन्हें जो आ, लेबर्स वगैरह मिलेंगे वो सस्ते मिलेंगे वहाँ पे एम्प्लॉय जो होंगे वो भी कम में मिल जाएंगे हो सकता है जो गुड्स वगैरह हैं वो भी उन्हें कम पैसों में मिल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही रॉ मटेरियल्स वगैरह भी मिल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर वो काम जो है काम वही होगा जो वो अपनी कंट्री में भी कराएंगे और अदर कंट्रीज़ में भी जाके कराएंगे लेकिन अदर कंट्रीज़ में जा क्या होगा उन्हें प्रॉफिट होगा क्योंकि वही काम वो वहां पर करा रहे हैं लेकिन अदर कंट्रीज़ में जा क्या होगा उनके साथ कि वहां पर उन्हें खर्च कम करना पड़ेगा इन्वेस्ट कम करना होगा लेबर कॉस्ट वगैरह कम आएगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आएगी एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे हैं वो सारी चीज़ें कम आएंगी तो जो फॉरन कंपनीज़ होती है एमएनसीज क्या होती हैं वो सब ऐसी ही जगह ढूंढ रही होती हैं ये मान लीजिए फॉरन कंपनीज़ है वो ऐसी जगह ढूंढ रही होती हैं जहां पर वो इजिली अपने बिजनेस को लगा सके तो ऐसी जगह ढूंढती है कि इजली लगा सके और सस्ते में काम हो जाए तो इसीलिए लिबरलाइजेशन की जो प्र... नीति है उससे इन्हें ये फ़ायदा मिला कि ये वही काम करेंगे लेकिन उस काम को अदर कंट्रीज़ में आकर अगर वो कर रहे हैं अदर कंट्री में आकर उसी काम को कर रहे हैं तो उससे क्या होगा उन्हें प्रॉफिट होगा अब ये अदर कंट्रीज़ में उनका जो सामान है मान ली किसी भी चीज़ की फैक्ट्री है यहाँ पर किसी कंपनी की तो वो चीज़ें अगर उन्होंने अदर कंट्रीज़ में लगा दी अब ये चीज़ यहाँ से रेडी होके फिर यहाँ से वो अदर कंट्रीज़ में क्या करेंगे सेंड करेंगे ठीक है तो अदर कंट्रीज में बना कहाँ पे आके दूसरी जगह उनकी कंट्री में नहीं बना उन्होंने क्या किया जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर जगह ढूंढी और वहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्हें वहां पर कॉस्ट कटिंग जो है वो काफी अच्छी दिखी इस वजह से उन्होंने क्या किया अदर कंट्री में लगाया अब यहाँ पे चीजें तैयार हो गई और उसे क्या किया अलग अलग जगहों पर सप्लाई कर दिया लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए अलग अलग जगहों पर वो चीजें सप्लाई हो गई उसके अलावा ये कंपनीज ये भी देखती हैं कि जहाँ पर उन्हें लगाना है बिज़नेस वहाँ की जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं वो सही हैं कि नहीं कि आसानी से उनका बिजनेस जो है वो चल सके उसके अलावा इसमें एक ये भी चीज़ फ़ायदा करती है फ़ायदा इससे भी मिलता है कि जो वहाँ पर लेबर्स की कंडीशन होती है लेबर्स लॉ में अगर लचीलापन है मतलब लेबर्स तो ये भी उनके लिए फ़ायदेमंद है क्यों क्योंकि वो क्या करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकेंगी और कम अमाउंट दे सकेंगी अगर जिस कंट्री में लेबर लॉ में क्या है फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पर वो लेबर से काम भी ज़्यादा ले लेंगे और उन्हें वहाँ पर और ज्यादा कटिंग पर उनकी उन्हें दिखेगी कि हाँ यहाँ पे इस तरह से काम हो जा रहा तो रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पर उन्हें पैसे जो है वो कम इन्वेस्ट करने पड़े और काम वही हो रहा है वहां से अदर अदर जगहों पर वो सप्लाई करते हैं तो फॉरिन कंपनीज कैन ओपन देयर ऑफिस वो क्या करते हैं अपने ऑफिस खोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कोई पर्सन है कोई फॉरेनर है वो क्या कर रहा है या कोई कंपनी है एनसीज है वो उसका कोई ना कोई तो मालिक होगा ही तो मान लीजिए वो पर्सन है तो उसने क्या किया वो गया डेवलपिंग कंट्रीज़ में गया वहाँ पर जाकर उन्होंने सर्च किया कि हाँ चीज़ें यहाँ पर ईजली हो जाएंगी कि नहीं तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं वो ईजली चीज़ें जो हैं एक्सचेंज हो जाएंगी गुड्स का एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा वहाँ आराम से मैं फैक्ट्री लगा सकता

ठीक बिजनेसमैन कैन टेक डिसीजन फ्रीली ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसीज बिजनेसमैन क्या करते हैं अपने Uh, अपने डिसीजन uh, जो है वो इजीली ले सकेंगे किसकी वजह से लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ की वजह से अगर वहां पर लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ जो है वो सही है कि वो आसानी से वहां पर अपने गुड्स का एक्सचेंज अपने काम जो है वो आसानी से कर सकेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा उसे काफ़ी फ़ायदा होगा और वो अपने डिसीजन decision, डिसीजन ले सकेगा कि जो वहां पर वो बिजनेस लगा रहा है या फिर जो भी चीज़ें हैं उन्हें वो आसानी से कौन सी चीज़ उसे इम्पोर्ट करनी है कौन सी चीज़ें उसे एक्सपोर्ट करनी है कौन सी चीज़ें किस जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है किस क्वांटिटी में करनी है ये सारे डिसीजनस वो बिजनेसमैन जो है वो आसानी से ले सकेगा किसकी वजह से लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ की वजह से तो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज का जो लिबरलाइजेशन है उदारीकरण है वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में इस तरह से हेल्प करता है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में कैसे हेल्प किया कि चीज़ों को सर्च किया जहां पर चीज़ें सही दिख रही हैं वहां पर लिबरलाइजेशन है वहां की गवर्नमेंट जो है इस नीति को अपनाती है तो वहां पर वो अपना बिजनेस लगा सकते हैं और वहां से प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है हाउ डस फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल अदर देन दोज गिवन हियर यहाँ पर क्या है कि फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है कि फॉरेन ट्रेड जो है वो अक्रॉस कंट्री पूरे विश्व के मार्केट्स के एकीकरण में या इंटीग्रेशन में किस तरह से हेल्प करता है एग्जाम्पल्स के साथ बताना है तो फॉरेन ट्रेड जो है वो विश्व के इंटीग्रेशन uh, में किस तरह से हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड से क्या होता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बनाने वाले होते हैं जैसे तो वो क्या करते हैं वो अदर कंट्रीज के साथ एबल होते हैं कंपीट करने के लिए एंड एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी चीजें जो है वो अदर कंट्रीज में भेजने के लिए तो फॉरेन ट्रेड के द्वारा क्या हो, किस तरह से हेल्प मिली इंटीग्रेशन में प्रोड्यूसर्स आर एबल टू कंपीट इन अदर कंट्रीज मार्केट्स एंड एक्सपोर्ट्स तो अदर कंट्री अदर कंपनीज के साथ क्या होता है वो कंपीट कर सकते हैं अदर कंट्रीज के साथ कंपीट कर सकते हैं और उनके जो सामान है वो क्या होते हैं अदर कंट्रीज में जा सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर गेट गुड्स आउटसाइड द कंट्री तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर है दोनों ही अदर कंट्रीज़ में आउटसाइड कंट्री अपने देश के बाहर की कंट्री की चीज़ें जो है वो पा सकते हैं जैसे अगर प्रोड्यूसर के वे से देखें कि जो चीज़ों को बना रहा है जिसकी कंपनी है तो वो क्या करता है उसके जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं वो अदर कंट्रीज से उठा सकता है कंज्यूमर क्या करता है तैयार चीज़ें उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से पहुंचती हैं तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर क्या करते हैं वो आउटसाइड uh, कंट्री से गुड्स जो है वो पा जाते हैं ठीक है गेट अ चांस टू चूज डिफरेंट फॉरन प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विथ डोमेस्टिक अब अगर देखिए ग्लोबलाइजेशन ना होता फॉरेन ट्रेड ना होता तो फिर क्या होता कि हम लोग अगर जो चीज़ें डोमेस्टिक हैं जो हमारे यहाँ की सिर्फ यही वही यूज़ कर सकते चाहे उनके रेट ज़्यादा होते अगर रेट ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लेते लेकिन इस जो फॉरेन ट्रेड है ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से क्या हुआ चीज़ें कि चीज़ों तक हमारी पहुंच जो है वो बन सकी तो इससे क्या होता है कि लोगों को डिफरेंट चीज़ें मतलब डोमेस्टिक चीज़ें के साथ साथ चीज़ों के साथ साथ ही अदर कंट्रीज़ की चीज़ें भी चूज करने का विकल्प मिल जाता है तो अदर कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी चूज करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं नेक्स्ट है द कंज्यूमर गेट्स द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन रिडक्शन इन प्राइज प्राइज ड्यू टू कॉम्पिटिशन अब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री कंपनीज जो हैं वो अदर कंट्रीज़ में जा शिफ्ट हो गई या उनके सामान जो हैं वो एक्सपोर्ट होके अदर कंट्रीज़ में आ रहे हैं या इंपोर्ट होके जा रहे हैं ठीक है कोई और कंट्री है उनके सामान को अपने यहाँ एक्सपोर्ट कर रही है या फिर वो अपने सामान कह सकते हैं अदर कंट्रीज़ में इम्पोर्ट कर रहे हैं ठीक तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो क्या है बेनिफिट मिलता है उन्हें रिडक्शन इन प्राइजेज ड्यू टू कंपटीशन देखिए इससे क्या होता है कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ता है ठीक है कंपटीशन बढ़ा क्यों क्योंकि मान लीजिए कि जैसे इंडिया की कोई कंपनी है किसी भी क्रीम को बनाने वाली है फेस क्रीम मान लीजिए बनाने वाली कोई कंपनी है वो कंपनी अच्छी चल रही है लेकिन बाहर से कोई और कंपनी आ गई तो अब क्या होगा कि हो सकता है जो बाहर की कंपनी आई उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं या बाहर से कोई प्रोडक्ट आया उसके आ, आ, मतलब कि बाहर से कोई ब्रांड आया उसने अपना आ, प्लांट जो है वो लगा लिया तो यहाँ पर क्या है कि ग्राहक को दोनों चीज़ें कंज्यूमर को दोनों चीज़ें मिल रही बट वो क्या कर सकता है कि उसमें देखेगा कंपटीशन बढ़ा जो कंपनीज हैं ब्रांड्स हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ा कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ कंज्यूमर्स जो है उसके सामने ऑप्शन है कि वो कौन सी चीज ले इससे क्या होता है उसको प्राइस का भी फायदा होता है कंपटीशन बढ़ा अब दोनों कंपनीज क्या करेंगी दोनों चारों जो भी कंपनीज होंगी सेम चीज की तो वो क्या करेंगी कि उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा क्यों क्योंकि कंज्यूमर तभी उन चीज़ों को लेगा कस्टमर उन्हीं चीज़ों को लेगा जब उसे वहां पर फायदा दिखेगा या तो क्वालिटी अच्छी होगी या रेट अच्छा होगा अच्छा का मतलब रेट उसे कम मिलेगा तो ये चीज़ें वो देखेगा तभी लेगा तो इससे कंज्यूमर को फ़ायदा मिलता है कि उसे प्राइस जो है चीज़ों के वो कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं ठीक फिर है मैन्युफैक्चर फ्राम डिफरेंट कंट्रीज कम्पी कंपीड विथ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे क्या है कि अगर हम देखते हैं फ़ॉरन ट्रेड नहीं होता ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो फिर क्या होता कि आ, लोगों के बीच में एक तो कंपटीशन उतना नहीं होता जो एक जगह की कंपनी है तो उन्हीं में कंपटीशन uh, होता उससे जो कंज्यूमर को इतना फ़ायदा मिल रहा है या फिर प्रोड्यूसर को मिल रहा है वो नहीं मिलता उसके अलावा हम देखते हैं कि मैन्यूफेक्चरर इसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड है इसकी वजह से क्या हो रहा है मैन्युफैक्चरर जो है उन्हें बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है क्या कि अक्रॉस वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में उन्हें अपनी चीज़ें जो हैं वो सेल करने का मौका मिलता है इससे उनकी चीज़ों की पहुंच जो है वो पूरे वर्ल्ड में होती है कैसे क्योंकि वो हमने देखा कि लोग चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें हर जगह पे पहुंच रही हैं ऐसे क्या होता है कोई ब्रांड है अगर एक जगह पे एक कंट्री में लगा है उस कंट्री के ही लोग यूज़ कर रहे हैं बट ये ग्लोबलाइजेशन जो है फॉरेन फार, ट्रेड जो है इससे क्या हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अदर कंट्रीज़ में भी जा रही है कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है कंज्यूमर को भी फायदा हो रहा है प्रोड्यूसर का वो भी फायदा हो रहा है प्रोड्यूसर को सबसे बड़ा फायदा हो रहा है अदर कंट्रीज़ के साथ वो कंपीट कर रहा है हो सकता है कि प्रोड्यूसर जो है उसकी चीज़ें मान लीजिए यूएसए की कोई कंपनी है उसकी चीज़ें यूएसए में उतनी नहीं चल रही है बट बट अदर कंट्री में गई तो वहां उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही तो क्या हो रहा कि ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी पहुंच है जिसका उसे फ़ायदा मिलता है कि एक जगह उसकी चीज़ उतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है फेमस नहीं है या फिर उतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जा रही मगर हो सकता है अदर जगहों पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है उसी चीज़ की डिमांड है तो इससे क्या हुआ प्रोड मैन्युफैक्चरर जो है उसे अक्रॉस वर्ड उसकी पहुंच जो है वो बन जाती है अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें मान लीजिए इंडिया में कोई इंडिया की जो कंप्यूटर मार्केट है उसमें कोई बाहर की कंपनी आती है तो बाहर की कंपनी जो आई तो वो कैसे टिकेगी उसके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे तो लोग लोगों में उसकी डिमांड बढ़ेगी अब जो इंडियन कंपनीज हैं उन्हें अगर मार्केट में बने रहना है तो वो क्या करेंगी कंपटीशन करेंगी मतलब अपनी जो चीज़ें हैं उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगी उसके रेट्स भी कम करेंगी तो क्या होता है वहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ेगा कंपनीज की चीज़ों में क्या होगा सुधार होगा उसकी क्वालिटी में सुधार होगा क्वालिटी उसकी इंक्रीज होगी और उसके अलावा प्राइजेस जो है वो भी लोगों के लिए डिक्रीज होंगे कि जिससे कि लोग जो है उन कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट हो तो अगर मान लीजिए कोई फॉरेन की कंट्री आ गई इंडियन कंप्यूटर मार्केट में कोई फॉरेन की कंपनी आ गई अपना कंप्यूटर लेके तो लैपटॉप लेके तो उसमें क्या होगा आज के टाइम में लैपटॉप का ज़्यादा यूज है पर ऑफिस में देखें देखते हैं तो कंप्यूटर्स भी यूज होते हैं तो लैपटॉप लेके कोई कंपनी आ गई तो यहां की कंपनी जो है उसके कंप्यूटर्स जो है वो लोग क्यों खरीदेंगे क्योंकि क्या होगा अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी प्लस उसके रेट्स लोगों के लिए सही होंगे तो लोग फिर इंडियन कंपनी की ही तरफ जाएंगे तो अगर उसको मार्केट में बने रहना है कंपटीशन करना है तो अपनी क्वालिटी उसे सुधारनी होगी तो एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज इनटू द इंडियन कंप्यूटर मार्केट तो ये हमारा हो गया एग्जांपल की इंडियन कंप्यूटर मार्केट में फॉरन कंट्री की एंट्री तो इस तरह हमने देख लिया कि फॉरन ट्रेड जो है फॉरन ट्रेड अक्रॉस वर्ल्ड के मार्केट जो हैं उसमें कि उसके इंटीग्रेशन में किस तरह से हेल्प करता है कि उस हेल्प की वजह से क्या हुआ कि प्रोड्यूसर जो है उनकी पहुंच अक्रॉस वर्ल्ड पहुंची लोगों की अ, लोगों जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास उनके पास भी जो चीज़ें पहुंच रही हैं या वो उनकी उन कंज्यूमर की भी पहुंच अक्रॉस वर्ल्ड की चीज़ों तक हो गई उनकी उन्हें प्रॉफिट भी मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें उसके इंटीग्रेशन में किस तरह से हेल्प करती हैं फॉरेन ट्रेड की वजह से चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा है ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर कैन यू इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड वुड बी लाइक ट्वेंटी इयर्स फ्रॉम नाउ गिव रीजन फॉर योर आंसर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ग्लोबलाइजेशन जो है वो जारी रहेगा कैन यू इमेजिन कि अब से ट्वेंटी ईयर्स में वर्ल्ड कैसा होगा वर्ल्ड कैसा होगा मीन्स क्या उसका साइज एरिया की बात हो रही है कि वो बढ़ेगा घटेगा नहीं बात क्या हो रही है कि वर्ड कैसा होगा मतलब ग्लोबलाइजेशन से है यहाँ पर क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है जारी रहेगा तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही तो ग्लोबल उसके वे में पूछा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के वे में कि वर्ड कैसा रहेगा कैन यू इमेजिन अब से ट्वेंटी ईयर्स में वर्ड कैसा रहेगा आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है वो चल रही है आगे भी चलती रहेगी और उससे क्या होगा बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी कौन सी चीजें बढ़ेंगी कॉम्पिटिशन बढ़ेंगे ठीक है कॉम्पिटिशन बिटवीन कंपनीज विल इंक्रीज कंपनीज के बीच में क्या होगा कंपटीशन बढ़ेगा क्यों क्योंकि मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं तो सभी को क्या है मार्केट में बने रहना है सभी को तो प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट पाने के लिए तो कंपनीज शुरू की गई हैं तो सबको प्रॉफिट चाहिए, चाहिए सबको क्या होगा मार्केट में बने रहना है मार्केट में बने रहने के लिए क्या होगा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ठीक सबसे पहली चीज अब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो क्या होगा कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा प्लस क्या होगा कि क्वालिटी भी सुधरेगी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी चीजों की क्यों क्योंकि मार्केट में बढ़े बने रहना देखिए इसी के साथ साथ हमारा रीजन भी चलता जा रहा है मार्केट में बने रहना है तो इसलिए क्या होगा क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा क्यों क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स आ जाएंगे लोग किसे लेंगे जहाँ जिसकी की क्वालिटी जो होगी वो ज्यादा अच्छी होगी साथ ही साथ कि बजट बिल हर इंसान देखता है तो रेट एंड क्वालिटी जो है तो यहाँ पर क्या होगा प्रोडक्शन जो होगा वो इंक्रीज़ होगा क्वालिटी इंक्रीज होगी और बहुत सारी छोटे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मार्केट में आएंगी अब बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज़ मार्केट में आएंगी ये भी आगे बढ़ेंगी ऐसा नहीं जो पुरानी कंपनीज चल रही हैं वही रहेंगी ये भी आगे बढ़ेंगी क्यों क्योंकि ये जो नई छोटी इंडस्ट्रीज़ आएंगी वो क्या करेंगी चीज़ों को सर्च करके आएंगी कि कौन सी चीज़ें हैं, जिनकी डिमांड किस रूप में कैसे ज्यादा है तो इस तरीके से वो कंपनीज जो है वो मार्केट में आएंगी साथ ही साथ जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट भी इनका साथ देगी जिससे कि क्या होगा इससे क्या होगा कंपनी का भी प्रॉफिट होगा उसके अलावा गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट होगा और कंट्री का भी प्रॉफिट होगा क्यों क्योंकि हमारी कंट्री से अक्रॉस वर्ल्ड तरह तरह की चीजें जो हैं वो पहुंचेंगी अदर कंट्रीज के साथ कंपीट करेंगी अगर वो चल गई वो अच्छी हैं उनकी डिमांड ज़्यादा जाद, ज़्यादा है तो क्या होगा उसे कंट्री को बेनिफिट होगा उस पर्सन को बेनिफिट होगा प्लस गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा लोगों की कंडीशन जो होगी वो सुधरेगी जो भी रूलिंग पार्टी होगी जिसकी भी गवर्नमेंट होगी वो आगे आ, उसकी ही पार्टी बनी रहे वही उसी की गवर्नमेंट जो है वो बनी रहे तो उसके लिए क्या करेंगी वो इन कंपनीज़ को जो छोटी कंपनीज हैं उन्हें बढ़ावा देंगी जिससे कि क्या होगा कि ये कंपनीज भी आगे बढ़ेंगी तो आगे के टाइम में हम क्या देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो समय के साथ और बढ़ेगा चीज़ें जो हर तरह की हर वे में हम देखेंगे वो सारी चीजें बढ़ेंगी आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो जारी रहेगा और अगले ट्वेंटी ईयर्स में अब जैसे अगले ट्वेंटी ईयर्स में यहाँ पूछा गया कि कंट्री कैसी होगी या फिर वर्ड कैसा होगा सॉरी कंट्री नहीं यहाँ पर है वर्ड कैसा होगा तो वर्ड कैसा होगा अगले ट्वेंटी इयर्स में तो आपने ये चैप्टर पढ़ा आपने इसके सोल्यूशन देखे इसके बेस पर कई सारे पॉइंट जो है वो आप भी इसमें ऐड कर सकते हो कि अगले ट्वेंटी इयर्स में कंट्री वर्ड uh, जो है वो कैसा होगा चलिए बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन हमारा है सपोजिंग यू फाइंड टू पीपल आर्ग्यूइंग वन इज सेंग ग्लोबलाइजेशन हैज़ हर्ट अवर कंट्रीज डेवलपमेंट द अदर इज टेलिंग ग्लोबलाइजेशन इज हेल्पिंग इंडियाज डेवलप हाउ वूड यू रिस्पॉन्ड टू दीज आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सपोज आप दो लोगों को आर्ग्यू करते हुए सुन रहे हो एक कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को क्या किया है हर्ट किया है नुकसान पहुँचाया है दूसरा कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प की है तो आप उन्हें किस तरह से समझाओगे या फिर आप किस तरह से रिस्पोंड करोगे उनकी बातों पे तो सबसे पहली चीज कि उन दोनों के सामने जो नेगेटिव है उसके सामने पॉजिटिव और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव रखना है मतलब ये कि दोनों की बातें हो रही हैं हम जाएंगे दोनों से ही बातें करेंगे दोनों को ही हम रिस्पोंड करेंगे लेकिन हर चीज़ का प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होता है दोनों उनको हम समझाएंगे सबसे पहली चीज सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज की क्या रहेगा आइए देखते हैं इफ वी सी द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन देन द इकोनॉमी हैज डेवलप्ड पीपल हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम उन्हें समझाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन की, की वजह से क्या है कंपनी सॉरी हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हुई है कैसे केवल अगर अंदर ही अंदर हम बिजनेस करते मीन्स कंट्री के अंदर ही अंदर अगर बिजनेस करते या फिर चीज़ें जो हैं वो आ, सेल परचेस की जाती तो उतना प्रॉफिट नहीं होता ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी पहुंच जो है वो अदर कंट्रीज़ में बढ़ी जिसका कि प्रॉफिट हमारे इकॉनमी को हुआ साथ ही साथ बहुत सारे रोजगार बढ़े बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, बढ़े क्यों क्योंकि हमारी कंट्री की बनी हुई चीज़ मान लीजिए किसी चीज का प्रोडक्शन है चीजें हमारे यहाँ बन रही हैं, वो अदर कंट्रीज में मंगाई जा रही है उससे क्या होगा चीज की डिमांड बढ़ रही है यानी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना होगा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा ज़्यादा ज़्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा ज़्यादा ज्यादा एम्प्लॉय रखने होंगे जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सके ठीक है क्योंकि वो हमें अदर कंट्रीज भी यूज कर रही है वहां पर भेजना है तो एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ा इसके अलावा एमएनसीज जो होती हैं वो क्या करती हैं एमएनसीज अदर कंट्रीज़ जैसे अगर हम फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी की बात करें वो भी क्या करेंगी कि अपने अपनी अपना जो प्लांट्स वगैरह है वो यहाँ पर खोला उन्होंने मान लीजिए इंडिया में अब जब इंडिया में उन्होंने खोला तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे लेबर या एम्प्लॉय जो है वो चाहिए उसके लिए वो क्या करेंगे अपनी कंट्री से सिर्फ़ उन्होंने कंपनी का नाम दिया है यहाँ के कंस्ट्रक्शन जो होगा वो कराएंगे या फिर यहीं की किसी जैसा कि हमने अभी चैप्टर में पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि क्या करते हैं कि दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं दूसरी कंपनी को खरीद लेते हैं या दूसरी के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं उनके साथ काम करते हैं तो वो कंपनी क्या हुई कि उसने सिर्फ एक कंपनी का नाम दिया यहाँ पर उसने अपना बिजनेस जो है वो लगाया या अपना प्लांट लगाया और अपने जो प्लांट लगा उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए होंगे लेबर्स चाहिए होंगे उसके लिए वो क्या करेंगे अपनी कंट्री से अदर कंट्री जो अदर कंट्री की जो कंपनी होगी वो अपनी कंट्री से एम्प्लॉय नहीं लाएगी एम्प्लॉय वो जिस कंट्री में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं मान लीजिए इंडिया में लगा रहे हैं या बात इंडिया की हो रही है तो इंडिया में मान लीजिए वो प्लांट लगा रहे हैं तो क्या करेंगे बाहर से या, अपने यहाँ से एम्प्लॉयज नहीं लाएंगे वो इंडिया के ही लोगों को क्या करेंगे एम्प्लॉय के तौर पे यूज़ करेंगे उन्हें ही रोज़गार देंगे तो इससे क्या हुआ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देखिए एडवांटेज देखेंगे तो इकोनमी सुधरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा उसके बाद हम देखेंगे पीपल हैव गॉड एडवांस टेक्नोलॉजी आइटम्स लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी आइटम्स मिले कैसे अब जैसे मान लीजिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हमारी कंट्री में हम हम अपना डेली रूटीन में ही देखें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही जैसे हमारा कंप्यूटर हुआ जिसने काम को आसान बनाया घरों में मिक्सी है वॉशिंग मशीन है तो बहुत सारी मशीनें जो हैं टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जिनको भारत में बनने में समय लगता, बनती लेकिन हो सकता है कई साल लग जाते लेकिन वही चीजें क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो मशीनें क्या हुई हमारे यहाँ आई तो हमने उन मशीनों का यूज करना शुरू कर दिया तो देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ हमने क्या किया ग्लोबलाइजेशन uh, की वजह से क्या हुआ नई नई टेक्नोलॉजीज हमने यूज़ की तो इस ग्लोबलाइजेशन uh, का ये भी फायदा है नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज होने लगी काम जो है वो जल्दी और आसानी से होने लगा तो पीपल हैव गॉट एडवांस टेक्नोलॉजी आइटम्स एडवांस टेक्नोलॉजी आइटम्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही लोगों को मिलने लगे द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल हैज़ इम्प्रूवड अब क्या हुआ कि लोगों का स्टैंडर्ड भी जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इम्प्रूव हुआ इसकी वजह से कैसे तो एक तो मशीनों का यूज़ होने लगा तरह तरह की तो जिसकी वजह से लाइफ हमारी अच्छी हुई उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो हमने पढ़ा कि क्या था कंपटीशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ा कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ प्रोडक्शन बढ़ा और चीज़ों के की क्वालिटी जो है वो भी सुधरी और उसके अलावा चीज़ों के रेट जो है वो कम हुए क्योंकि कंपटीशन में बढ़े रहना है बने रहना है तो उसके लिए अपनी क्वालिटी सुधारनी होगी साथ ही साथ अपने रेट घटाने होंगे जिसके लिए लोग जो है उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हुई या फिर उसी की वजह से हुई कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी सुधरा तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके और साथ ही साथ उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि चीज़ों को वो सही क्वालिटी का खरीदे अच्छी क्वालिटी का खरीदे और सही रेट पे खरीदे अपनी जेब का अपनी पॉकेट का ख्याल रखते हुए अब इसके साथ ही हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की कि इसकी वजह से बहुत सारे जो लघु कुटीर उद्योग थे वो क्या हुए वो बंद हो गए क्यों क्योंकि अगर जैसे इंडिया में कोई भी चीज़ बन रही है तो उस कम चीज़ को बनाने वाले जो लोग हैं जो भी उसके प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं उसके अलावा बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग जो छोटे छोटे आ, इंडस्ट्रियल्स होते हैं वो क्या करते वो भी इन चीज़ों को बनाते जो लघु कुटूरी उद्योग जो हम कहते हैं स्मॉल ट्रेडर्स जो होते तो वो इन चीज़ों को बनाते अब क्या होता कंपटीशन फिर सिर्फ इन्हीं दो के बीच में होता जो यहाँ के बड़े ट्रेडर्स होते और छोटे ट्रेडर्स लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ अदर कंपनीज़ भी आ गई उन कंपनीज ने अपने प्लांट्स लगा लिए या फिर कह सकते हैं कि वहाँ की बनी हुई चीज़ें आने लगी तो इसकी वजह से क्या हुआ जो यहाँ के छोटे आ, ट्रेडर्स थे उन्हें नुकसान हुआ बहुत सारे छोटे जो लघु उद्योग थे वो इसकी वजह से बंद हो गए तो ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मैनी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो थी वो क्या हो गई इंडिया में डिस्ट्रॉयड हो गई फिर इंक्रीज फ्लेक्सीबिलिटी इन लेबर लॉज काम जो है वो बढ़ा यहां पर क्या है फ्लैक् लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नियम तो बने हैं बट नियम का पालन नहीं हो रहा है कंपनीज़ तरह तरह की आ रही हैं प्रोडक्शन बढ़ाने हैं तो उसकी वजह से लेबर लॉज जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी इस इट्स बेनिफिट्स आर नॉट द सेम फॉर एवरी वन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सभी के लिए बराबर नहीं है देखिए ये भी एक बड़ी चीज़ है कि उससे फ़ायदा तो मिला लेकिन वो सबके लिए बराबर नहीं है जैसे कि कॉम्पिटिशन बढ़ा चीज़ों की क्वालिटी में सुधार हुआ ठीक है उसके उसके रेट जो हैं वो कम हुए तो इन सारी चीज़ों की तक किसकी पहुंच, पहुंच हुई जो वेल्दी पीपल हैं जो यहाँ के रिच पीपल हैं उनकी पहुंच बढ़ी या फिर फ़ायदे जो हुए वो आ, कह हम कह सकते हैं जो रिच लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदे मिले न कि जो पुअर लोग हैं तो उनकी कंडीशन बल्कि और ज़्यादा बिगड़ने लगी जो रिच हैं तो वो क्या हुआ कॉम्पिटिशन बढ़ा उनकी क्वालिटीज़ वग़ैरह बढ़ी अब जो आ, हम देख रहे हैं पुअर हैं उनका छोटे छोटे उनके जो उद्योग हैं वो उनके छोटे छोटे खुद ही हैं उद्योग उनके और यहां पर क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज 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 जो है है अदर आ रही हैं की बड़ी है, वो तो इसमें आगे बढ़ जा रही है लेकिन जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको नुकसान हो रहा है यहां पर हम देखते हैं बेनिफिट्स जो है ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स तो बहुत है लेकिन वो सबके लिए बराबर नहीं है अब हम देखेंगे कि इसमें सुधार के लिए क्या किया जा सकता है हमने उसके एडवांटेज देख लिए डिसएडवांटेज देख लिए उसके सुधार के लिए क्या किया जा सकता है तो इसके लिए क्या है गवर्नमेंट को करना चाहिए वैसे गवर्नमेंट ये चीज़ें कर भी रही है चीज़ों पर ध्यान दे है क्योंकि सबका इसमें क्या है सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए तो इसमें यहाँ पर है ना कि आपको किस तरह से रिस्पोंड करना है तो एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने के साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि इसमें बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं और करने चाहिए कि जैसे जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हैं जो हमारे कॉटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए इन्हें आ, कम इंटरेस्ट पर लोन देना चाहिए इन्हें बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम रेट पर दिया जाना चाहिए जिससे कि इनका काम जो है वो आसानी से आगे बढ़ सके जब ये आसानी से आगे बढ़ सकेगा तो उस कॉम्पिटिशन में ये भी शामिल हो सकेंगे उसके साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ से आ, डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत सारे बैरियर्स लगा के रखी हैं उन्होंने अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे तो बोल रखा है कि ट्रेड बैरियर्स ना लगाए जाए बट उनके ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं तो डिमांड करनी चाहिए कि ट्रेड बैरियर्स वो हटाएं ताकि जो यहाँ की स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी आगे बढ़ सके तो इस तरह आ, उन दोनों को समझाया जा सकता है उनका जो आर्ग्यू है उसमें इस तरह से समझाया जा सकता है कि उसके एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है क्या सुधार किए जा सकते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक अच्छा प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को क्या करना होगा बढ़ाना होगा ठीक है तो आई होप कि आप समझ गए गए ये आंसर जो है वो आपको आ गया होगा चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन हमारा है इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स दे टू देस बैक टू डिकेट्स बैक अगर देखें तो इंडियन बायर्स के पास बहुत सारे विकल्प हैं गुड्स के ठीक है सामानों के बहुत सारे विकल्प हैं आगे हम देखते हैं दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ ये क्लोजली किस प्रोसेस की वजह से एसोसिएटेड है ये है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो सामने आ गए ठीक है वरना क्या होता है एक ही कंट्री के जो लोग हैं वही वही जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वही लोगों के सामने आ रही है, तो मान लीजिए दो चार चीज़ें होती किसी उसकी लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं आ गए और उसकी वजह से अगर ध्यान देना होगा कि बाहर से कंपनीज आई लोगों को लगा कि हाँ ये चीज़ें बिक रही हैं तो और भी प्रोड्यूसर जो हैं उस कंट्री के भी वो भी रेडी हो जाते हैं तो लोगों के सामने चॉइसेस किस वजह से आए ग्लोबलाइजेशन की वजह से चॉइस जो है वो ज़्यादा आई मार्केट्स इन इंडिया आर सेलिंग गुड्स प्रोड्यूज इन मैनी अदर कंट्रीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ के जो गुड्स हैं वो इंडिया की मार्केट में बेचे जा रहे हैं इंडिया की मार्केट में बेचे जा रहे हैं मैं बहुत मैनी अदर कंट्रीज के गुड्स जो हैं प्रोड्यूस्ड मेनी मैनी अदर कंट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस जो गुड्स हैं वो इंडिया की मार्केट में बेचे जा रहे हैं फिर आगे हमारा क्या है दिस मीन्स देर इज इंक्रीजिंग विथ अदर कंट्रीज अब देखिए यहाँ पर क्या है बहुत सारी वेराइटीज़ देखी जा रही हैं बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस चीजें जो है इंडियन मार्केट में देखी जा रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ क्या चीज़ यहाँ पर बढ़ा है इसका मतलब कि इंडिया में क्या बढ़ा है ट्रेड जो है वो बढ़ा है तो इंडिया में ये क्या दिखाता है कि ट्रेड बढ़ा है व्यापार बढ़ा है इसीलिए तो चीजें जो है वो आई हैं आगे हम देखते हैं ई एम एनसी इंडिया इससे आगे अगर हम देखें तो इंडिया में एम एनसीज के द्वारा प्रो, प्रोड्यूज बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनके राइजिंग नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो उनके नंबर्स राइज हो रहे हैं मतलब वो बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया इंडिया बिकॉज में इन्वेस्ट कर रही है क्यों कर रही है अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो उन्हें कुछ ना कुछ फायदा होगा इसीलिए इन्वेस्ट करेंगी वरना क्या जरूरत है तो एम क्यों कर रही है क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी वो तो उससे उनको जो है प्रॉफिट वो काफी ज्यादा होगा तो वो किस लिए करती है प्रॉफिट के लिए तो हर जगह कर रही लेकिन इंडिया में अगर वो इन्वेस्ट कर रही हैं तो उससे क्या होता है कॉस्ट कटिंग उनकी हो रही है जो प्रोडक्शन उनका हो रहा है उसमें वो उन्हें कम कीमतों पे सस्ती कीमतों पे उनका प्रोडक्शन जो है वो रेडी हो जा रहा है जैसे अगर व कोई फैक्ट्री भी अगर वो बनवा रहे हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी कमा जाएगी लेबर कॉस्ट भी कमाएगी उनके जो एम्प्लॉय हैं वो भी कॉस्ट कमाएगी गुड्स की कॉस्ट कमाएगी तो वही चीज़ है टू चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को सस्ता करने के लिए कम करने के लिए जो एमएनसीज हैं वो क्या कर रही हैं इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं फिर आगे हम देखते हैं वर्ल कंज्यूमर्स हैव मोर चॉइसेस इन द मार्केट द इफेक्ट ऑफ किसका रहा है देखिए इंडिया में वाइल कंज्यूमर्स हैव मोर चॉइज इन द मार्केट कंज्यूमर्स जो हैं उपभोक्ता जो हैं जो खरीद रहे बायर्स हैं उनके सामने मार्केट में बहुत सारी चॉइस है जिसका जो कि इफेक्ट है किसके बढ़ने का वो किसके बढ़ने का इफेक्ट है वो है डिमांड के बढ़ने का डिमांड बढ़ी तभी तो चीजों की जो मांग है वो बढ़ रही है मार्केट बढ़ रही है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है कंज्यूमर्स के बीच में चॉइसेस इन द मार्केट उनके सामने बहुत सारी चॉइसेस आ गई किस वजह से क्योंकि डिमांड बढ़ रही डिमांड नहीं होगी तो फिर चॉइसेस भी तो नहीं होंगी कंपनीज क्यों बनाएंगी वो चीजें जो जिनकी डिमांड नहीं होगी तो डिमांड है इसीलिए कंपनीज जो है वो बना रही हैं तो कंज्यूमर्स जो है उनके सामने चॉइसेस है मार्केट चा में किस लिए क्योंकि डिमांड बढ़ रही है दूसरी चीज की उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है सिर्फ डिमांड है पावर नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा परचेजिंग पावर बढ़ रही है यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ब्रांड्स सामने आ गए अब ब्रांड्स के सामने आने से क्या हुआ क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और उनकी जो कीमतें होती हैं वो उनके रेट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं तो रेट डिक्रीज होने से क्या हुआ लोगों की परचेजिंग पावर भी तो बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है परचेजिंग पावर बढ़ रही है इस वजह से ये चीजें हो रही है प्रोड्यूसर्स ज मीनड ग्रेटर अमोंग द प्रोड्यूसर्स डैश है यहाँ पर तो ये चीजें किस वजह से हो रही हैं ठीक है इसका मतलब क्या है देखिए पर, परचेज पावर बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है ब्रांड्स में चॉइस आ गई तो इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर्स के बीच में क्या बढ़ रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है जब लोगों के बीच में प्रोड्यूसर्स जो है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि तरह तरह की चीजें आएंगी मार्केट में और वो अपनी क्वालिटीज जो है वो बढ़ाएंगे अपने रेट्स कम करेंगे जिसकी वजह से डिमांड जो है रेट्स कम होने की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी और लोग जो है उन चीजों को आसानी से खरीद सकेंगे तो हैज हैजीन ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन जो है इसका मतलब कि वो काफी बढ़ा हुआ है और ये चीजें किसके तहत है ग्लोबलाइजेशन के तहत ग्लोबलाइजेशन हुआ डिफरेंट जो कंट्रीज हैं जो एमएनसीज हैं उन्हें क्या हुआ दूसरी जगह इन्वेस्ट करने का मौका मिला वो उन्होंने इन्वेस्ट किया और बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो कंट्री में आ गए अगर हम इंडिया की बात लें तो इंडिया में ही बहुत सारे ब्रांड्स आ गए अब लोगों के सामने क्या हुआ ऑप्शन बहुत सारे आ गए अब जब ब्रांड्स आ गए ऑप्शंस लोगों के सामने बहुत सारे हैं अब कंपनीज़ में क्या हुआ कंपटीशन बढ़ा क्यों क्योंकि सारी चीज़ों ने एक ही सा, बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया एक ही चीज़ बनाई बस ब्रांड अलग अलग हैं अब लोग किस चीज़ को लेंगे तो उसके लिए लोगों ने क्या किया अपनी क्वालिटी इंप्रूव की और अपने रेट जो थे वो कम कर दिए तो इससे जो कंज्यूमर है उन्हें फ़ायदा हुआ और उनकी लाइफ इससे क्या होती है लाइफ स्टाइल का स्टेटस जो है उनकी सिचुएशन जो है वो इससे सुधरती है ठीक है तो आई होप आप आपको समझ में आ गया होगा ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कैसे कंप्लीट करना है चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमारा है मैच द फॉलोइंग मैच कराना है किससे किसे, -किसे आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट हमारा एमएनसीज एट चीप रेट्स फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स वन साइड पे हम लोग क्या करेंगे पहले दोनों साइड को हम पढ़ेंगे जिससे क्या होगा किससे किसका कनेक्शन है कुछ चीज़ें हमारे माइंड में आ जाएंगी जो नहीं आएंगी उसको हम डिस्कस आगे कर ही रहे हैं चलिए आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट हमारा एमएनसीज बाई एट चीप रेट्स फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स सेकेंड है कोटाज एंड टैक्सेज ऑन इम्पोर्ट्स आर यूज टू रेगुलेट ट्रेड थर्ड इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड फोर्थ हमारा है आई टी हैज हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फिफ्थ हमारा है सेवरल एमएनसीज हैव इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन नेक्स्ट हमारा क्या है अदर साइड पे ऑटोमोबाइल्स गार्मेंट्स फुटवेयर स्पोर्ट्स आइटम कॉल सेंटर्स टाटा मोटर्स इन्फोसिस इन रैन बैक्सी एंड ट्रेड बैरियर्स अब हम देखेंगे किससे किसका मैच है कुछ का कनेक्शन तो हमें समझ में आ गया होगा आगे दिखते हैं एम एन सीज बाई एट चीप रेट्स फ्राम स्मॉल प्रोडक्ट्स एम एन सीज क्या करती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो उनसे क्या करती है चीप रेट पर चीज़ें खरीदती हैं तो इसे हम किससे मैच कराएंगे यहाँ पर अगर हम देखें तो गारमेंट्स आपने चैप्टर में देखा होगा तो गारमेंट्स फुटवेयर स्पोर्ट्स आइटम्स ये सारी चीजें क्या करती है चीप रेट पर लोगों से खरीदती हैं और उस पर आगे क्या करती हैं अपना टैग लगा देती हैं अब क्या हो गया वो चीजें जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे उन्होंने खरीदा अगर वही चीज हम उन स्मॉल प्रोड्यूसर से खरीदते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती उस पर टैग लग गया बस इन कंपनीज का वो टैग लगने के बाद इन कंपनीज की इन चीजों की वैल्यू जो है वो काफी बढ़ गई और उसके बाद ये क्या करती हैं प्राइस अच्छा खासा उस पे बढ़ा के और फिर सेल करती हैं मार्केट में तो यहाँ पर एवेंसेस क्या करती हैं सस्ती चीजें जो स्पॉल प्रोड्यूसर्स सोचते थे उनसे सस्ते रेट पे कम रेट पर चीजों को लेती हैं और उसके बाद उसे आगे अपना टैग लगाकर ब्रांडेड बना के और ऊंची कीमतों पर बेचती हैं यहां पर हमने क्या देखा चीज़ वही है वही अगर हम स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं डायरेक्ट हम उनसे खरीदेंगे लेकिन उन चीज़ों की कोई वैल्यू जबकि वो चीज़ हमें कम रेट पर मिलेंगी लेकिन उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होगी और वही चीज़ में बस एक टैग लग गया टैग लग जाने की वजह से उस चीज़ की वैल्यू जो है वो काफ़ी बढ़ गई ठीक है तो इसका फिलहाल मैच जो है हमारा गारमेंट्स फुटवेयर स्पोर्ट्स आइटम्स इस तरीके की चीज़ें वो खरीदती है और उन पर टैग्स वगैरह अपना लगा देती हैं जिससे वो चीज़ें ब्रांडेड बन के हमारे सामने आती हैं सेकेंड हमारा है कोटाज एंड टैक्स टैक्सेज ऑन इम्पोर्ट्स आर यूज टू रेगुलेट ट्रेड इम्पोर्ट्स पर कोटाज एंड टैक्सेज जो है वो यूज़ किया जाता है रेगुलेट ट्रेड के लिए ट्रेड के कह सकते हैं नियमन के लिए तो ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए कोटाज एंड टैक्स इम्पोर्ट पर कोटाज एंड टैक्सेस को लगाया जाता है तो ये क्या काम करते हैं ये काम करते हैं टैक्स बैरियर्स का कैसे टैक्स का बैरियर्स का काम करते हैं ये तो टैक्स बैरियर्स के बारे में भी पहले भी हमने पढ़ा टैक्स बैरियर्स अगर कोई गवर्नमेंट लगा देती है अपने यहाँ ठीक है टैक्स बैरियर्स अगर लगा है किसी चीज़ पर तो अगर उस चीज़ को इम्पोर्ट किया जा रहा है तो उस पर क्या है टैक्स बहुत ज़्यादा है तो अगर उसे इम्पोर्ट कर रहा है इम्पोर्ट करने वाला क्या करेगा उसके लिए टैक्स ज़्यादा पे करेगा तो वहाँ पर उसे क्या होगा प्रॉफिट जो है वो कम होगा तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो चीज़ें अगर गवर्नमेंट चाहे कि वो उसकी कंट्री में चीजें ना आए तो उस पर वो क्या करे टैक्स बैरियर्स लगा दे टैक्स बैरियर्स लगा देगी तो वो चीज़ें क्या होंगी अपने आप उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी क्यों क्योंकि कि वो चीजों पे बहुत ज़्यादा टैक्स पर देना पड़ेगा जब टैक्स दिया जाएगा जो उसे सेल करेगा वो उसमें अपना भी कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा तो पहले तो जो चीज़ की वैल्यू है वो प्लस टैक्स और वो टैक्स बढ़ा हुआ टैक्स रहेगा जो काफ़ी ज़्यादा रहेगा और उस पर फिर आगे प्रॉफिट तो चीज़ क्या आएगी मार्केट में आएगी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगी तो अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री का इंपोर्ट अपने यहाँ रोकना चाहती है तो इस तरीके से रोक सकती है क्योंकि वो टैक्स बैरियस का जो काम है वो क्या करेगा चीज़ों को आने से भी रोकेगा क्यों क्योंकि वो चीज़ें महंगी होंगी तो लोगों का इंटरेस्ट जो होगा उन चीज़ों में नहीं होगा तो कोटाज एंड टैक्सेज ऑन इम्पोर्ट्स आर यूज टू रेगुलेट ट्रेड ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए और वो क्या काम करता है वो काम करता है ट्रेड बैरियर्स का ठीक है टैक्स नहीं ट्रेड बैरियर्स का वो काम करता है नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड थर्ड हमारा है इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड इंडियन कंपनीज़ जो कि अब्रॉड में इन्वेस्ट करती हैं अगर बात करें उनकी तो यहाँ पर हम किससे मैच कराएंगे यहाँ पर कौन सी कंपनीज़ है टाटा मोटर्स जो कि इंडियन है जो मोटर्स के लिए आ, जानी जाती है इसके बाद है इन्फोसिस आई कंपनी है फिर आगे है रैनबैक्सी मेडिसिन है इसके अलावा एशियन पेंट्स पेंट्स वगैरह है वो क्या पेंट वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर इसे हम मैच कराएंगे किससे थर्ड हमारा जो है वो मैच कराएंगे डी से हम मैच कराएंगे कि इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड टाटा मोटर्स इन्फोसिस रैनबैक्सी इससे मैच कराएंगे जो कि इन अब्रॉड में इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट करती हैं नेक्स्ट हम आते हैं आईटी हैज़ हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज आईटी प्रोड प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को स्प्रेड करता है किसके जरिए या फिर आईटी जो है वो सर्विसेज uh, का प्रोडक्शन जो है वो स्प्रेड करने में हेल्प करता है कैसे कैसे करता है वो करता है कॉल सेंटर कोई भी चीज़ है तो कॉल सेंटर आईटी जो कॉल सेंटर होते हैं वहाँ से लोग अपनी कोई भी चीज़ है Uh, कोई भी उनकी प्रॉब्लम है किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए तो वो वहाँ पर कॉल करते हैं कॉल सेंटर पे और उनका सोल्यूशन उन्हें मिल जाता है तो आई टी कंपनीज क्या करती हैं कि किस तरह से हेल्प करती हैं कॉल सेंटर के जरिए तो ये जो फोर्थ है इसे हम मैच कराएंगे किस से सी से फोर्थ का मैच यहाँ पर सी से है फिर हम आते हैं देखते हैं फिफ्थ फिफ्थ हमारा क्या है सेवरल एम हैव इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन बहुत सारी एम जो हैं वो इंडिया में प्रोडक्शन के लिए वो अपने इंडिया में प्रोडक्शन के लिए वो क्या करती हैं इन्वेस्ट करती हैं अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए अपना जो प्रोडक्शन है उसके लिए वो इंडिया में फैक्ट्रीज लगाती हैं तो लगाने के लिए इन्वेस्ट करती हैं तो कौन सी कंपनीज की अगर बात करें कौन सी एमएनसीज़ ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स हम देखते हैं ना बहुत सारी बाहर की गाड़ियां जो होती हैं वो हमारे यहाँ होती हैं तो एमेंसीज़ uh, जो है जो कि इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए अपने प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए तो उसे हम मैच कराएंगे किससे ऑटोमोबाइल से ऑटोमोबाइल एमएनसीज जो हैं बहुत सारी ऑटोमोबाइल एमएनसीज जो हैं वो क्या करती हैं अपने प्रोडक्शन के लिए इंडिया में अपना प्लांट जो है अपनी फैक्ट्रीज जो है वो लगाती हैं तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किससे किसका मैच है और क्यों चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है इसमें फर्स्ट हमारा है द पास्ट टू डिकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन रैपिड मूवमेंट इन पास्ट टू डिकेट्स में देखा गया है ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट रैपिड मूवमेंट किसका देखा गया है ऑप्शन देखते हैं ए हमारा है गुड्स सर्विसेज एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज बी है गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन कंट्रीज सी हमारा है गुड्स इन्वेस्टमेंट्स एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज तो पास तो पिछले दो दशक में लोगों का मूवमेंट जो है ग्लोबलाइजेशन के तहत लोगों का मूवमेंट जो देखा गया है वो इन तीनों में देखा गया है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की अगर बात है तो लोगों का आना जाना पहले भी था वो अभी भी है समय के साथ क्या है बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोग घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं बिजनेस के लिए भी जाते हैं कोई उस अदर कंट्रीज में आ, वहां पर वहां की कंपनी में काम कर रहा है किसी काम से वो आता है या फिर आ, किसी काम, आ, कोई फॉरेन कंट्री है एमएनसीज़ हैं, उन्होंने किसी डेवलपिंग कंट्रीज में मान लीजिए उन्होंने क्या किया है अपना कोई सेंटर खोल रखा है अपना कोई ऑफिस खोल रखा है वहां का कोई एम्प्लाई समय समय पर उसको बाहर जाना पड़ता है या पढ़ाई लिखाई के लिए भी लोग जाते हैं या फिर आ, लोगों का देखते हैं कि माइग्रेशन भी हो रहा है तो लोगों का आना जाना तो बराबर बना है लेकिन अगर हम देखें तो गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले दो दशकों में काफी ज्यादा हुआ है क्योंकि देखिए लोगों का आना जाना तो है पॉपुलेशन बढ़ रही है लोगों की जरूरतें बढ़ी उसके लिए जा रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो है कंट्रीज के बीच में ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ी है क्यों क्योंकि जो उदारीकरण की नीति है लिबरलाइजेशन uh, जो है जब वो आया 91 के बाद लिबरलाइजेशन की जब नीति अपनाई गई उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें बहुत ही तेजी से हुई तो पिछले दो दशक में मूवमेंट जो देखा गया वो गुड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा देखा गया जो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात है तो वो हमारा आएगा ऑप्शन टू या ऑप्शन बी जो है गुड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर बी नहीं है टू हैूट फॉर इनवेस्टमेंट इनउंड वर्ल्ड द वर्ल्ड के द्वारा इन्वेस्ट जा, किया जाने वाला मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है आइए देखते हैं सेटअप न्यू फैक्ट्रीज नई फैक्ट्रीज को लगाना या फिर बी है बाई एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज लोकल कंपनीज को खरीद लेना या फिर सी हमारा है फ्रॉम पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना तो ये सारे रूट्स वो अपनाते हैं लेकिन मोस्टली उनके लिए जो ज़्यादा सही रूट होगा जिसमें कि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट कम करना पड़े प्रॉफिट ज़्यादा हो अगर उस रूट की बात करते हैं तो अगर वो नया सेटअप लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन्हें ठीक बी हम देखते हैं कि बाई एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज लोकल कंपनीज़ को खरीदना ये सबसे सरल तरीका उनके लिए है जो एम कंपनीज हैं उनके लिए ये सबसे तरीक, सरल तरीका है कि आ, किसी कंपनी को ही खरीद लेना टेक ओवर कर लेना सी अगर देखें लोकल कंपनीज के साथ पार, पार्टनरशिप ये भी अच्छा है लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात है तो किसी कंपनी को खरीद लेना वो उनके लिए ज्यादा बेटर है उससे क्या होता है कि कंपनी खरीदने के साथ ही साथ गुडविल्स भी जो होती हैं वो भी उन्हें मिल जाती है तो उन्हें क्या होता है प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो परफ फूड नाम की एक कंपनी थी ठीक है जो ऑयल बेस्ड कंपनी थी आपकी बुक में भी इसका एग्जाम्पल दिया है तो परफ फूड की जो कंपनी थी उसे उन्होंने टेक ओवर कर लिया कारगिल कारगिल फूड्स ने तो वो अब कारगिल के नाम से जो ऑयल है वो उसके ब्रांड के नाम से आता है तो यहाँ पर क्या हमने देखा उन्होंने क्या किया कंपनी खरीद लिया इसी तरह वो बहुत सारे एम होती हैं वो आती हैं किसी कंट्री में वहां की जो कंपनीज होती हैं उन्हें वो टेक ओवर कर लेती हैं उन्हें वो खरीद लेती हैं और फिर उस पर अपना आगे इन्वेस्ट करके आगे उन चीजों को चलाती हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाती हैं तो मोस्ट कॉमन रूट उनके लिए क्या होता है मोस्ट कॉमन रूट होता है ऑप्शन बी बाई एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज तो लोकल कंपनीज को वो खरीदती हैं फिर आगे उस पर बिजनेस अपना करती हैं फिर हमारा है थर्ड थर्ड हमारा है ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ठीक है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से किसके लिविंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है अगर हम देखें ए हमारा है ऑफ ऑल द पीपल तो क्या हुआ है नहीं हुआ है फिर हम ऑप्शन बी देखते हैं ऑफ़ पीपल इन द डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप कंट्रीज़ का हुआ है अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा जो हुआ है डेवलप डेवलप्ड कंट्रीज को हुआ है सी अगर हम देखेंगे तो ऑफ वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज तो डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स को हुआ है ठीक है अब हम आते हैं डी पर देखेंगे नन ऑफ द अबव तो जो राइट right आंसर होगा देखिए ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा मिला है या फिर ग्लोबलाइजेशन से कंडीशन इम्प्रूव हुई है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के वर्कर्स हैं उनकी भी लेकिन वो सबके लिए बराबर नहीं है हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन से जो फायदा हुआ सभी के लिए एक बराबर नहीं है चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में होंगे और चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी होंगे तो ऐसा नहीं कि स... सभी को वहाँ पर फायदा हुआ है जो वहाँ के वर्कर्स है यहाँ पर क्या है वर्कर्स इन द अगर हम बात करें कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी सभी को नहीं हुआ यहाँ आते हैं वर्कर्स इन द डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज तो डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स को फायदा नहीं हुआ ये भी नहीं कर सकते वहाँ के वर्कर्स को फायदा हुआ है ये भी नहीं कर सकते क्योंकि सारे लोगों के साथ नहीं है यहाँ पर क्या है कि जो अर्बन एरियाज से जुड़े हुए हैं कह सकते हैं या फिर जो वेल्दी पीपल है जो कि जिनकी हम देखते हैं लाइफ स्टाइल वगैरह अच्छी है तो उनको फायदा हुआ है ना यहाँ पर ऐसा नहीं कि सभी को गया सभी वर्कर्स को हो गया ऐसा भी नहीं डेवलप्ड कंट्रीज में भी सभी को हो गया ऐसा भी नहीं किसी को भी नहीं हुआ ऐसा भी नहीं तो जो राइट आंसर होगा राइट आंसर हमारा होगा डी नन ऑफ द अबव क्योंकि जो वेल्दी पीपल हैं उनको जो कि रिच हैं उनको जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको उन लोगों को उससे फायदा हुआ है सभी को नहीं हुआ तो राइट right आंसर हमारा जो होगा ग्लोबलाइजेशन से इम्प्रूवमेंट हुआ है लिविंग uh, कंडीशन में वो किसका नन ऑफ द एब हम इसमें लिखेंगे क्योंकि सही आंसर हमको यहाँ पर किसी में भी नहीं मिल रहा है तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है और क्यों है तो बच्चों हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था एंजॉय भी किया होगा आपको समझ में भी आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हब लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है